नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। हमारे नए चैनल ज्ञान गंगा को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुरू करते हैं आज की कहानी। ब्रजभूमि में एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 साल की बच्ची अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम दादी ने बड़े प्यार से चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के अलावा कोई और नहीं था। उस बूढ़ी दादी के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था। वो जंगल जाती और लकड़ियां बीनकर उन्हें बेचती और जो भी उनसे मिलता उससे वो अपना गुजारा चलाती। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहती, लेकिन एक बात उसे बहुत दुखी करती कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते और उसे अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। वो इससे बहुत दुखी रहती। बहुत बार वो अपनी दादी से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी ने उसे प्रेम से कहा, कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं है? वह है ना कृष्ण कन्हैया, वो ही तेरा भाई है। ऐसा बोलकर दादी लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी सी किंतु बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी। चंदा की दादी उनकी बड़े मन से सेवा किया करती और बहुत ही प्रेम से जो भी रूखा सूखा उनके पास होता उसका भोग लगाती। चंदा भी भोलेपन में लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी और जब वो दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे बात करने लगती और कहती, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। क्या तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आते? मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा का प्रेम निश्चल था। वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी मेरे भाई घर क्यों नहीं आते? वो कहाँ रहते हैं? तब दादी ने उसको टालने के लिए कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वो जरूर आएगा। चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है दादी? तब दादी ने उत्तर दिया, वह किसी से नहीं डरता। उसको गांव में अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए वो जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन पास आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू किसे राखी बांधेगी? अब चंदा का सब्र टूट गया। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी ने उसे प्यार से समझाया कि बच्ची तू रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। लेकिन चंदा का रोना नहीं रुका और वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली, भाई तुम क्यों नहीं आते? सब अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। उधर गोविंद भी चंदा की चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वो दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल की ओर दौड़ पड़ी और उसने मन में ठान लिया था कि वह आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर मासूम दौड़े जा रही थी। श्री गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से कर्रा उठे, उनके पांव से भी रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्यों ना,
श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, ऐसा कैसे संभव है? जंगल में नन्ही चंदा के पाँव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से कर्रा उठे। उधर चंदा के पैर से भी रक्त बह निकला और वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पाँव में भी उसी स्थान पर हाथ फेरा जहां कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पाँव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी नहीं रहा। फिर वह जंगल की ओर फिर से दौड़ पड़ी। इस बार उसका पाँव कांटों से छलनी हो गया, लेकिन वो नन्ही बच्ची दौड़ती रही। उसको अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर वो थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो? तुम आते क्यों नहीं? अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और एक 11-12 वर्ष के सुंदर बालक का रूप धारण करके चंदा के पास आ गए। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा और एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तू मत रो। चंदा ने सर उठाकर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उसे उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। और तब भक्त और भगवान के बीच की भक्ति भाव का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए और उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथ में लिया और उन्हें प्रेम से देखा। वो बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। बहन भाई को पाने की प्रसन्नता में रो रही थी और भगवान भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैर में चुभे एक एक कांटे को बड़े प्रेम से निकाला और उसके पैरों पर अपने हाथों का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी प्रतीक्षा कर रही होंगी, मैं कल सुबह ही घर जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। चंदा बहुत प्रसन्न थी और उसकी सारी चिंताएं मिट गई थी। दादी का उसके चिंता में रो रो कर बुरा हाल था। चंदा को देखते ही दादी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। चंदा बोली, दादी कल मेरा भाई आएगा, मैं उसे राखी बांधूंगी। दादी ने सोचा, जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसे वो अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी से जिद करी और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदी। अगले दिन सुबह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा के लिए द्वार पर ही बैठ गई। उसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर में वो बालक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी, दादी भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई और उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आई। चंदा ने भाई को तिलक किया और उसकी आरती उतारी और उसे राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर हो उठे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए हुए झोले को खोला तो उसमें खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और बहुत कुछ। चंदा को मानो पंख लग गए थे। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। कुछ समय साथ में रहने के बाद बालक बोला, अब मुझको जंगल वापस जाना है। चंदा उदास हो गई। तब भाई बोला, तू उदास मत हो, आज से मैं रोज तुझसे मिलने आऊंगा। उधर दादी हैरान थी कि यह बालक कौन है। भाई के जाने के बाद
जब चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम ठिटक गई। उसकी बांधी हुई राखी लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर थी। उनके हाथों पर भी वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई को बांधी थी। उसने ये देखकर दादी को बुलाया और दादी भी आश्चर्यचकित रह गई। दादी ने भी बचपन से कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक कोई और नहीं स्वयं श्री हरि ही थे और उनके चरणों में गिरकर बोली, छलिया जीवन भर तो छला, जीवन का अंत आया तो भी छलकर चले गए। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक कोई और नहीं तेरा यही भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपटकर रोने लगी। चंदा बोली, भाई तुम यही हो तो सामने क्यों नहीं आते। दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान फिर से प्रकट हो गए और बोले, चंदा हाँ मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझको पुकारा तो मुझे आना पड़ा और मैं कैसे नहीं आता। जो लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जब कोई सच्चा भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भगवान और भक्त की प्रेम लीला चल रही थी। दादी भी तो भगवान में लीन हो चुकी थी। और उसके बाद चंदा और उसकी दादी को गांव में किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहां चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।